हेलो एवरीवन, आई एम देवांश। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई भी डिजिट के अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। 5 के आगे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर निकाल लेंगे 25, फिर देखेंगे उसके सामने अगर कोई डिजिट हो तो उसके बड़े डिजिट से इंटू कर देंगे। इसके सामने कोई डिजिट नहीं इसलिए इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब हम लोग 15 का देखते हैं, 5 का स्क्वायर निकल गया हमारा 25। अब हम लोग 1 को आगे वाले डिजिट लेंगे जैसे 2, उससे हम लोग 1 को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ भी हम लोग 2 कर लेंगे। अब आता है 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकल गया 25। अब इसके एक आगे आ जाता है 3, इसीलिए हम ऐसे कर देंगे 6, तो यहाँ भी 6 आ गया। अब ये आता है हमारा 25 का स्क्वायर, तो हम लोग 25 पहले ही लिख लेंगे। अब 7 का आता है, 7 × 8 इज इक्वल 56, तो यहाँ पे भी हम लोग 56 लिख देंगे। अब आता है हमारा 105 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25। और 10 से एक बड़ी डिजिट हम लोग ले लेंगे 11, तो ये आ गया हमारा 110, यहाँ पे भी हम लोग 110 लिख लेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।